अस्सलाम वालेकुम। आजकल द कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म मौजू बहस बनी हुई है। आइए जायजा लेते हैं कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने इस पर तनाजा खड़ा कर रखा है। यह फिल्म जनवरी 1990 के उस वाकये पर मबनी है जब वादी कश्मीर में अस्कृत पसंदी की इब्तदा हुई थी और उस दौरान सैकड़ों की तादाद में कश्मीर के हिंदू पंडितों को वादी छोड़ना पड़ा था। उस वक्त बीजेपी की हिमायत याफ्ता विश्वनाथ प्रताप सिंह की हुकूमत मरकज यानी दिल्ली में थी और बीजेपी के सीनियर लीडर जगमोहन जम्मू और कश्मीर के गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। फिल्म कुछ इस तरह शुरू होती है जब दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म, जो फिल्म का मरकजी हीरो भी कह सकते हैं आप, कृष्णा पंडित जिसका करेक्टर है और उस एक्टर का नाम है दर्शन कुमार, अपने मरहूम दादा अनुपम खीर की अस्थियां लेकर कश्मीर जाता है ताकि वो उसे अपने दादा की आबाई वतन में दरिया में बहा सके। उसे दादा ने बताया था कि उसके वालदीन की एक हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन जब वो कश्मीर पहुंचता है और वहां अपने लोहकीन के दोस्तों से मुलाकात करता है तो उसे असल हकीकत मालूम होती है कि उसके वालदीन की मौत किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई थी बल्कि उन्हें कश्मीर के अलहदगी पसंदों ने कत्ल किया था और उस दौरान सैकड़ों की तादाद में कश्मीर के हिंदू पंडितों को वादी छोड़ना पड़ा था। और उस दौरान इसे वो तमाम वाक़यात सुनाए जाते हैं कि किस तरह मस्जिदों से पंडितों के कत्लेआम के लिए सदाएं बुलंद की गई थी और मतलब अफराद को कत्ल किया गया जिसकी वजह से उन्हें कश्मीर में अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। फिल्म के मुताबिक एक भी मुसलमान इनको बचाने नहीं आया। पंडितों को कत्लेआम होता रहा और अलहदगी पसंदों ने जुल्म व सितम का बाजार गरम किए रखा। इन मनाजर को इंतहाई जज्बाती अंदाज में पेश किया गया जिससे कि नाजरीन के जज्बात को झंझोड़ा जा सके। नाजरीन न सिर्फ आपदीदा हों बल्कि उनके अंदर इस मखसूस तबके के खिलाफ नफरत की आग सुलग उठे। फिल्म देखने के बाद सिनेमा हॉल से निकल रहे अफराद के रद्देमल को ही देख लीजिए, हकीकत वाजे हो जाएगी। वो कहते पाए गए हैं कि मुसलमान आपका कितना ही बड़ा और गहरा दोस्त क्यों ना हो, लेकिन वक्त पड़ने पर वो सिर्फ अपने मज़हब को ही तरजीह देगा। कोई ये कहता हुआ पाया गया, हिंदुओं का एक होना ज़रूरी है। यहाँ तक ख्वातीन की ज़बान से भी असायक मखसूस तबके के लिए अहानत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये तमाम किस्म की रद्देअमल यूट्यूब और मुतअद्दिद सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मौजूद हैं। नाकदीन ने फिल्म के इस पहलू पर सवालात उठाए हैं। नाकदीन का कहना है कि फिल्म में सिर्फ एक रुख को यानी पंडितों पर मुजालम को ही दिखाया गया है, लेकिन दूसरे फरीक पर हुए जुल्म को न सिर्फ नज़रअंदाज किया गया है बल्कि उन्हें सिर्फ विलियन के तौर पर ही पेश किया गया है। नाकदीन का कहना है कि जब मुतअद्दिद मुतासिरीन इस फिल्म में पेश किए गए मनाजिर को हकायक के बरखिलाफ करार दे चुके हैं तो फिर इस फिल्म को क्यों दिखाया जा रहा है। वाज़े रहे कि जम्मू के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने भारतीय फिजाया के अफसर स्क्वाडन लीडर रवि खन्ना की लाश के साथ बेहरमती के मनाजर दिखाने पर रोक लगा दी है। स्क्वाडन लीडर रवि खन्ना 25 जनवरी 1990 को अस्कृत पसंदों के हाथों हलाक हो गए थे। उनकी बेवा निर्मल खन्ना ने अदालत को बताया कि उनकी लाश के साथ बेहरमती के वाकयात फर्जी हैं। ठीक उनके शोहर को गोली जरूर मारी गई थी लेकिन लाश के साथ ही बेहरमती की बात झूठ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बीजेपी की स्पॉन्सर्ड फिल्म है जिसका मकसद मुल्क की सतह पर अक्सरती तबके में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को भड़काए रखना है जिससे कि बीजेपी लोगों की तवज्जा मौशी बदहाली, बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी जैसी बुनियादी मसाइल से हटा सके और उसका वोट बैंक न सिर्फ मुस्तकम रहे बल्कि उसमें इजाफा भी होता रहे। यही वजह है कि समाजी माहरीन इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म की तरह नहीं देख रहे बल्कि इसमें उन्हें नाजी दौर के जर्मनी की झलक दिखाई दे रही है जब यहूदियों के कत्लेआम के लिए इस तरह की फिल्में बनाकर अक्सर तबके के जज्बात भड़काए गए थे। समाजी माहरीन को तशवीश है कि एक ही रुख पर बनाई गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स कहीं पुराने जख्मों को फिर ताज़ा न कर दे और मुल्क में एक मखसूस तबके की नस्ल कशी सिर्फ एक चिंगारी से कई शोलों में तब्दील न हो जाए। ये फिल्म एक ऐसे वक्त पर रिलीज़ हुई है जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के इकतदार पर एक मरतबा फिर कब्जा जमाया है। तो क्या बीजेपी क़यादत इस पर इत्तफाक कर ले? बिल्कुल नहीं। जो सियासी जमायतें नफरत की बुनियाद पर खड़ी होती हैं वो उस नफरत के पौधे के
सेराबी के लिए हर तरह के जतन करती है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म साज विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म के अदाकार अनुपम खेर और अपनी अहल्या और इस फिल्म के एक अदाकार पल्लवी जोशी के साथ वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की तो मोदी ने न सिर्फ फिल्म की सताइश की बल्कि यहाँ तक कहा कि इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए। बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार मुतअद्दिद रियासतों ने फिल्म की नुमाइश को टैक्स फ्री करार दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हुकूमतों ने तो बाकायदा पुलिस एहलकारों को फिल्म देखने के लिए छुट्टी देने तक का ऐलान कर डाला है। यानी पुलिस एहलकार जब इस फिल्म को देखेंगे तो मुसलमानों के साथ उनका रवैया कैसा होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात अब कोई नई बात नहीं रहेंगे। खुदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि कहीं ये फिल्म हुजूमी तशद्दुद को मजीद हवा देने का काम न करे। मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त सलमान कुरैशी। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।